को बोर्ड की तारीफ की थी है, गंधारन को अकेडमी दे क्याम थे, उन्होंने सानू मुबारकबाद पेश की थी है। हिंदको जुबान के बारे जिसा किया जाता है कि हिंदको जुबान दे नाल बेशक 68 साल विच वो इंसाफ और किया जाता तो शायद ये जुबान किसी और मुकाम पर होंगी, लेकिन हिंदको जुबान माशाल्लाह तवाना जुबान है, जिंदा जुबान है। ये ना सिर्फ पिशोर की जुबान है, असी जो हिंदको जुबान नू सिर्फ पिशोर के दायरे च महदूद कर लें फिर असं समझना कि शायद हिंदको जुबान तो बर्फपोर चोटियां भी बोली जाती है, रेगिस्तान भी बोली जाती है, शहरों भी बोली जाती है, गिरावों भी बोली जाती है, इसे मुख्तलिफ लहजे हों, मुख्तलिफ इसे रंग हों। ये जुबान माशाल्लाह तवाना तो जिंदा जुबान है। इस कुरान पाक में तराजम भी होए, सीरत भी किताब लिखी गई है, तारीख भी जी लिखी गई है इंशाल्लाह। तो कमर खलील रहमान साहब इंशाल्लाह जुबान जिंदा तवाना जुबान है, तो इंशाल्लाह जिंदा रह सी तरक्की कर सी बाकी सारी पाकिस्तानी जुबानों के नाम। हूँ मैं गुजारिश करना वा डॉक्टर सलाउद्दीन साहब से कि आवनते स्टेज में स्टेज समझ जिम्मेदारियाँ समाप्त। तकसीम की बजाय मुहब्बत की गल पर करता है। तीसरी आलमी इनको कॉन्फ्रेंस के मौके पर जो थीम की गल आई है सी कि इंशाल्लाह सी हितको दे नाल दिगर पाकिस्तानी जुबाना खैबर पख्तूनख्वा ने दिगर पाकिस्ताना पाकिस्तानी जुबाना अदब सकाफत की तरक्की के जरिए यकजहती तो खुशहाली का असूल साड़ा करार दिता है। साड़ी इस कॉन्फ्रेंस के खैबर से लैके तो कराची तक स्कॉलर्स आए हैं, तो आए हैं उन्होंने अपने मकाले पेश किए हैं। इस लड़ी दे भी साने बलोची सिंधी सरायकी गोजरी पश्तो हिंदको हर जुबान दे स्कॉलर ने साने मौका दिता है कि तुसी आपकी गल करो, क्योंकि असी एक लड़ी परोए हाँ, असी एक दूसरे नु बगैर मुतरजम दे असी अपनी गुफ्तगू पहुँचा सकते हाँ। तो क्यों असी पिशोर शहर अगर असी बैठे हाँ पंजाब ते सिंध ते बलूचिस्तान ते गिलगित ते कश्मीर दे लोगों ने साने बुलाया तो एक अखड़ साने मुनक्कद किया है। असी तमाम सरकार के भी शुक्रगुजार हाँ, तमाम स्टेज पर बैठे मौजूद हजरात के भी शुक्रगुजार हाँ, खासकर अमरीका से आए डॉक्टर अमजद हुसैन साहब, तुर्की से आए खलील तुकार साहब, कनाडा से आए आफ्ताब इकबाल बानो साहबा, कश्मीर से आए करीबुल्ला कुरैशी ते नूरुल्ला कुरैशी साहब, तो तमाम हजरात का शुक्रगुजार हाँ कि जिन्होंने अपना वक्त कढ़ा तो इस प्रोग्राम इस थीम, क्योंकि पाकिस्तान एक इकाई का नाम है, मुख्तलिफ सकाफत जरूर हूँ लेकिन सारी सकाफत यकजहती का बड़ा भरपूर हवाला मौजूद है। असी इस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसी हवाले को मजबूत पे करने इंशाल्लाह मजबूत कर दे रहे सी, जिसके नाल असी इस प्रोग्राम का वक्फा करने। वक्फे से पहले मैं गुजारिश कर सां कि जी खवातीन ये पहले तशरीफ ले जासन, उस बाद मर्द तशरीफ ले जासन। मैं गुजारिश कर सां अपनी भैन ते मावा से कि वो अपनी ऐसे निशेस्तान से उठन तो बाहर तशरीफ लै जाऊन खाने वास्ते, उन्होंने बिल्कुल वखरा एक सैटअप है, उस सैटअप के इंशाल्लाह तुम जासो। मर्द अजाज से गुजारिश है कि थोड़ी देर तुम तशरीफ रखो, मेरी गुजारिश है, उसके बाद असं इंशाल्लाह तरतीब के मुताबिक असी जासी। मैं मुख्तरम इजाज़ अहमद कुरैशी साहब गंधारन को बोर्ड पाकिस्तान के चेयरमैन जी इंतहाई मसरूफ उन्होंने जिम्मेवारियां वो जिम्मेवारियां निभाने पे, असं उन्होंने इंतहाई शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने साड़ी सरपरस्ती पे कर दें। इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के पिछे अगर मैं कह कि एक शख्सियत तो इजाज़ अहमद कुरैशी साहब हैं, उन्होंने स्पिरिट उन्होंने गाइडेंस इस किस्म की है। मैं अनतुल्ला साहब बैठे हैं, उन्हें मैं कहसा कि साढ़े इस फोरम से अपर दीर सी एक स्कॉलर आए जिन्होंने अपना मकाला पेश किया है, पश्तून है लेकिन उन्होंने अपना मकाला डॉक्टर कमालुद्दीन श्रृंगल से आए, उन्होंने अपना मकाला इस मुहब्बत के हिंदको जुबान पेश किया है। असी उन्होंने शुक्रगुजार हाँ कि इस मुहब्बत के हवाले उन्होंने भी अपना एक किरदार अदा किया है, जो कि यह पैगाम मुहब्बत का पैगाम है, तो असं इंशाल्लाह इस मुहब्बत के पैगाम को अगे ले जाते रहे। अनतुल्ला साहब साड़ी ख्वाहिश है कि जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने हिंदको जुबान 68 साल बाद हिंदको अकेडमी दी है, इसी तरह असं चाहते हैं कि पेशावर यूनिवर्सिटी के हिंदको डिपार्टमेंट भी बढ़ाया जाए। मैं समझना तुम सारे लोग तईद कर दो कि पेशावर यूनिवर्सिटी के हिंदको डिपार्टमेंट भी बढ़ाया जाए। इसी तरीके से मैं
ये जरूर चाहसा कि पिशावर यूनिवर्सिटी के साड़ी सारिया जुबाना की लैंग्वेज अथॉरिटी बढ़ाई जाए, लैंग्वेज के पी के लैंग्वेज अथॉरिटी बढ़ाई जाए ताकि पूरी जुबाना जिदे विच साड़ी खैबर पख्तूनख्वा दी हिंदको पश्तो के अलावा जनी 30 जुबाना हुन इन अकेडमी क्योंकि गुलदस्ता क्योंकि जिस तरह साढ़े नतुल्ला साहब ने किया है कि डायवर्सिटी के हुसन है, असी चाहते हैं कि इस हुसन में बरकरार रखे हुए एक गुलदस्ता पिशावर यूनिवर्सिटी के के पी के लैंग्वेज अथॉरिटी बढ़ाई जाए। मैं समय तुम भी तायद कर दौ। मैं सब सरकार का शुक्रगुजार हाँ। थोड़े से गुजारिश है कि तशरीफ लै जाओ वक्फा वे खाने का, उसके बाद तुम दोबारा तशरीफ लियासो तो इन शाला असी नैक्सट जो सारा सैशन है उसका इन शाला ऐलान करने। बहुत बहुत शुक्रिया। सू स्कैजुअल अगे पिछे करना पैदा है तो वह उस समय माजर खाव जिन साथियों तकलीफ हुई है, इंतजार उन्होंने किया है तो बाद साथियों शुरुकाए कॉन्फ्रेंस में मैंने बहुत से पहले किया कि तुम पेपर ख़त्म करो, वो भी मेरी मजबूरी, उधर मेरी आपने कोई दिली ख्वाहिश खत्म नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा रुबीना खालिद साहिबा सेनेटर साड़ी पिशोर दी सपूत सादात फैमिली दी, उन्होंने बड़ी हौसला अफजा गल्ला कीतियां ते हौसला अफजा गल्ला नाल ही तकवीयत मिलती है ख्यालात नूं। इजाज़ कुरैशी साहब ने साढ़े चेयरमैन ने मैनू हुक्म दिता है जाने से पहले कि जिहड़ा साड़ा कॉन्फ्रेंस का मतमे नज़र है, असी इसी मतमे नज़र नूं अपनी करारदाद करार देसी हैं इंशाअल्लाह तुहाड़ी तईद दे नाल। मैं उसी का इसी बजाय कि असी वखरे वखरे छोटे छोटे मुतालबे करिए साने कंदारा इनको बोर्ड की इंतजामिया ने मिल के एक डॉक्यूमेंट वन पेजर एक सफा साने तैयार किया है। मैं थोड़े गोश गुजार करना, मैं चाहता कि तुसी पूरी तवज्जो दे नाल इसनूं सुनो। ये साड़ी हिंदकोवाना दा अगले कंदारा इनको बोर्ड की तरफों अगले 50 साल का लाया अमल है। नैरेटिव इस इनको तीसरी इनको आलमी कॉन्फ्रेंस का अंग्रेजी के लफ्ज़ में अगर कहाँ नैरेटिव ऑफ द थर्ड इंटरनेशनल इनको कॉन्फ्रेंस, तीसरी आलमी इनको कॉन्फ्रेंस का मतमय नज़र। पाकिस्तान दर्जना जुबाना बोलने वाला मुल्क है, ते जुबाना एक गुलदस्ते के मुख्तलिफ फुलों वांगुर जमीनी फैलाओ ते तहजीबी तब्दीलियां की वजह करके इन अनुसाने हिंदको पंजाबी सिंधी गोजरी सराइकी कोहिस्तानी पहाड़ी ते कश्मीरी दे नां दिते हुए हैं। बड़े इन्हां जुबाना दे बोलने वाले एक दूए तो कोल अपनी गल बगैर मुतरजम दे बयान कर लेंदे हैं। इस खातर असीं कह सकने हां कि इन्हां मखसूस आवाज़ां वालियां जुबाना दी मुढ़ इक है। तो इस खूबसूरत गुलदस्ते के फुलां दे नाम पछाण के हवाले नाल दिते हुए हैं। हिंदको भी एक ऐसी जुबान है कि इस दे बोलने वाले पंजाब सिंध बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर ते गिलगित रहने वालियां नूं अपना मुद्दा बगैर मुतरजम दे पहुँचा सकते हैं। तुसी मेरी इस गल की हमायत कर दो। क्योंकि जड़ी जुबान बगैर मुतरजम के बयान हो जाए वो एको ही जुबान होंदी है। हिंदकवान जड़ी जुबान बोल देन उसनू मुल्क अजीज के हर हिस्से के विचकार समझा जा सकता है। बजारे लगता वे कि यह वक्रिया वक्रिया जुबाना दे जुबाना हुन, बड़े हकीकत यह वे कि इन सारिया जुबाना की मुढ़ एक है ते साड़ी इलाकाई जुबाना की इस मुढ़ दियां मुख्तलिफ शाखा हुन जिसनू हिंद आरियाई कहंदे न। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान 92% लोग बगैर मुतरजम के अपना मुदा एक दूए तो कुल अपनी मादरी जुबान पहुँचा सकते हैं।
तो ये साढ़े वास्ते इतफाक का बड़ा वड्डा हवाला वे। तो सानू चाहिए कि असी इस हवाले को मजबूत करिए। तो जुबान के मुख्तलिफ नामों के बावजूद असी अपनी मुश्तरकात तलाश करिए। तो अपने अंदर यकजहती पैदा करने के हवाले को मजबूत सी मजबूत करते रहिए। इस हकीकत के तनाजर गंधारन को बोर्ड ने भी मनकदा आलमी इनको कॉन्फ्रेंस का मौजू भी हिंको ते दीगर पाकिस्तानी जुबाना सकाफता ते इना दे अदब की तरक्की के जरिए यकजहती दे खुशहाली दे असूल रखा वे। तो असी समझना कि इसी हवाले को अगर असी मजबूत कर सकें तो इस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम से पहले ये किया जा सकता है कि सारे पाकिस्तानियत को फरोग देने की भरपूर ते कामयाब कोशिश की है। तुसी इस गल की हमायत कर दो। तो इसी वाले नू असी आइंदा भी मजबूत से मजबूत तर करके पाकिस्तान नू मजीद यकजा ते मजबूत कर सकने हैं। उर्दू साड़ी कौमी जुबान है। तो साड़िया जुबाना दियाँ साड़िया जुबाना दी मुश्तरका विरासत है। ये साड़ी जुबाना दी धी राणी है। तो सानू अपनी धी राणी नाल बहुत प्यार है। तो अगर कोई ये कहे कि उर्दू जुबान की तरक्की साड़ी मुश्तरका इलाका जुबाना की तरक्की हायल हो सी तो यह गल हकीकत बिल्कुल खिलाफ है। तो अगर कोई ये कहे कि इलाकाई जुबाना की तरक्की की सूरत उर्दू की अहमियत कम हो जासी तो यह गल भी करीने कयास नहीं गई। सानू ऐसी पॉलिसियां बनानी चाहिए जिस दे तहत सारी इलाकाई जुबाना बराबरी की सतह पर तरक्की करन। तो साढ़े अहले राय इस मतलब नज़र न अगे वधांदे हुए यकजहती ते खुशहाली के सफर में मजीद तकवीयत देन। तो सारी इस चीज़ की हिमायत कर दो। ये साड़ा इस कॉन्फ्रेंस का डिकलरेशन इंशाल्लाह। ये साड़ा डिकलरेशन। थैंक यू।